नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GS Everyday में। दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है और ये बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की तरफ से आई है और शायद इतनी फास्ट रिजल्ट कभी नहीं प्रकाशित की गई रही होगी कि देखिए अभी जस्ट है सो 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और साथ ही साथ देख सकते हैं कि आपका जो मेंस का रिजल्ट है फाइनली है सो प्रकाशित आज के डेट में कर दिया गया है। देखते बहुत ही तीव्र गति से ये रिजल्ट आया है। समझ में नहीं आता है इतना फास्ट कर रही है और आपकी जो आगे शारीरिक परीक्षा कब होगी उन सारे के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए मैं आपको पहले रिजल्ट पे ले जाता हूँ और आपको सारा कटअप के बारे में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बने रहे चैनल पे अंत तक और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की खबरों के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग उस PDF में हैं जहाँ पर आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और मैं बताऊंगा इसमें कि प्री में मेंस में कितने हुए वो अभी नहीं दिखाने जाऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको कटअप ले चलता हूँ कटअप कितना गया है। तो कटअप कम नहीं गया है दोस्तों, एक तरीके से बोल सकते हैं हाई कटअप ही बोल सकते हैं। और ओवरऑल देखते हुए स्टूडेंट्स को आप देखिए कटअप अभी ही प्री के बाद मेंस में ही कटअप कितनी ज़्यादा थी, देखिए ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कट ऑफ दिखाया गया है जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है आप यहाँ देख सकते हैं 149.4 अभी गई है, मेंस के लिए गई है, आगे का आप लोग देखते रहिए कितना जाता है। फिर वही महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं में जनरल कैटेगरी में 65.9 कट ऑफ गया है यानी 131 नंबर। यहाँ पर 149 है या 74% से ऊपर कट ऑफ है 75 के आसपास में और यहाँ पे 131.8 कटअप गए हैं टोटल के टोटल। EWS कैटेगरी की बात किया जाए तो यहाँ 142.8 कटअप है यानी 71.4 है और EWS और BC दोनों का ही कटअप सेम है 71.4 ही यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करूँ EWS लड़कियों की तो इनकी कटअप है 60.6 है और वहीं पर BC कैटेगरी के जो लड़कियाँ हैं इनको इनकी जो कटअप गई है देख सकते 61.7 है, ठीक है। तो ये सारे कटअप्स है तो कटअप निहायत बहुत ही हाई कह सकते हैं इस तरीके से क्योंकि पोस्ट की संख्या भी 2213 थी तो इसके अकॉर्डिंग ही ये कटअप भी गई है। फिर आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अदर कैटेगरी की बात करूँ EBC की कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर 70.3 है यानी 140.6 पे सिलेक्शन हुआ है। वहीं SC कैटेगरी में 132 गए हैं कटअप 66 पे गए हैं। वहीं मैं बात करूँ लड़कियों में तो 56.4 है EBC कैटेगरी की और 44.1 है SC कैटेगरी की लड़कियों का। वही ST कैटेगरी की बात करें 138.4 कटअप है वहीं 69.2 गए हैं कटअप इनका टोटल का टोटल कहा जाए तो। और यहीं लड़कियों में है सो 55.4 कटअप है। तो BC वीमेन का बात किया जाए तो यहाँ पर BC वीमेन में जो कटअप बन रही है ये भी कम नहीं है इस बार 59.4 है यानी 118.8 टोटल के टोटल कटअप गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए और फ्रीडम फाइटर्स का 118 कटअप गया है, यहाँ पर 119 है। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो कटअप बहुत ही हाई गई है, कम नहीं कटअप गई है। और यहाँ पर जो टोटल जो स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन किया गया है टोटल 14,856 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया है और आप लोगों का जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आपका जून माह में संभावित है। तो जून माह में आपकी एग्जामिनेशन होगी तो आप लोग दोस्तों जिनका भी रिजल्ट हुआ है तो अभी लोग बहुत लोग इंतजार में ही होंगे कि रिजल्ट आएगा देन करेंगे। तो ये आपका जो PET जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जून के प्रथम सप्ताह में ही प्रारंभ होने वाली है, इसलिए आप लोग दिल से लग जाइए क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स इतने ही हैं 14,856 है और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जून के प्रथम सप्ताह में होने जा रही है। तो बहुत बड़ी अपडेट रही दोस्तों और जिन लोगों ने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है चेक कीजिए और जिनका रिजल्ट हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं अभी से ही दोस्तों। तो मैं ये PDF है सो आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों इन्हीं वीडियो के साथ ऐसे इन्हीं जानकारियों के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।